बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह आप एक साइट बना सकते हैं। साइट किन लोगों के लिए ज़रूरी होती है, मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं आपको। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, अगर आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं, ठीक है, या आपका कोई कारोबार है, ठीक है, तो उसको प्रोफेशनल लिंक देने के लिए आप किस तरह एक फ्री में किस तरह आप अपनी साइट बना सकते हैं, ठीक है, जो कि आप अपनी अगर कहीं भी उसको शेयर करना चाहेंगे, किसी को भी दिखाना चाहेंगे, तो जस्ट आप उसको लिंक भेजेंगे और वो आपकी साइट पर आ जाएगा और वो ऑनलाइन आपकी जो है वो साइट विज़िट कर सकता है, ठीक है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं साइट की तरफ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप आएंगे फ्रीलांसर हो गया, ठीक है, हाउ टू क्रिएट, गूगल पे आएंगे आप। गूगल पर आकर आप यहाँ पर ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं गूगल एप्स, इन पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद ड्राइव है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये न्यू लिखा हुआ है, न्यू, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। न्यू अभी इसको पूरे तरीके से ओपन होने दें, ठीक है। दोबारा न्यू पे क्लिक किया, ये देखें मोर पे आए हम लोग। मोर पे ये नीचे आपके पास ये सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो आप इनमें से इसको दोबारा मैं कर लेता हूँ, न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, और ये लिखा हुआ है गूगल साइट्स, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे गूगल की साइट पर, और आप यहाँ पर फ्री में आके अपनी जो है प्रोफाइल बना सकते हैं। आप अपने योर पेज टाइटल, मैं इसको कर लेता हूँ टाइटल को, ये भी है, जो भी आप करना चाहेंगे, अमेजोन, ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको। इसके कलर टेक्सचर वगैरह भी मैं इसको दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो पीछे की बैकग्राउंड है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आया, यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम जो है हमने इसको ये कर लिया, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसको जहाँ रखना है आप वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। इसको ये वाली जगह इसको हम चेंज करना चाहें, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कर लिया, ठीक है, रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं पेज पर। पेज हमने क्रिएट करना है, ये थीम है यहाँ से, ठीक है। ओके हो गया, ओके हो गया, ठीक है। अब मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो है फोल्डर थैंक्स फॉर विजिट, यहाँ फुटर पे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और आप ये कर सकते हैं, और फॉर मोर डिटेल प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस ऑन आर वेबसाइट, ठीक हो गया, इस तरह आपने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद ये जस्ट इतना नहीं है, इसको हम पेज भी कर सकते हैं होम पे जाके। ये तो जस्ट हमने एक होम बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट पेज बनाना चाहते हैं इसके अंदर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ होम, ठीक है, होम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने ओके कर दिया, ये होम पेज बन गया, ठीक है, पेज यहाँ पर आ गया। और इसके अलावा हम इसमें
एक मिनट ये प्रीव्यू कर लेते हैं, आपको दिखाएगा कि भाई इस तरह आपकी साइट फ्री की बन सकती है। ठीक है, मज़ीद आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका, एक मिनट, ये वाला था ना डुप्लीकेट, कौन सा था, ये तो ओरिजिनल था, ये वाला था, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और मैं ये बनाता हूँ माई प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। एडवांस में कस्टम पाथ कुछ नहीं है, बस ओके। ठीक है, माई प्रोजेक्ट कर दिया, माई प्रोजेक्ट में इसकी थीम में चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने चेंज करना है। ठीक है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, और इसके अलावा मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये देखिए ये इसमें ऐड हो गया। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल हमने इसको पब्लिश किया। मैं थोड़ा सा आपको रैपिडली बता रहा हूँ, वेबसाइट एड्रेस आपने इसको कोई वेबसाइट एड्रेस देनी है, ठीक है, या इसको कस्टम रहने देना है, कस्टम डोमेन अगर आपके पास डोमेन है तो आप वो दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया इसका नाम वेब एड्रेस, मैंने दे दिया VA, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ VA, ठीक है, बाय DRMM, जिससे ऐसे मैंने दे दिया। ठीक है, अवेलेबल होगा तो ये बता देगा, बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल है VA Amazon, ऐसे मैं कर लेता हूँ VA Amazon। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे भी मैं कर सकता हूँ VA, अच्छा सा नाम दे देते हैं वर्चुअल, ऐसे कर लेते हैं असिस्टेंट, असिस्टेंट अमेज़ॉन। ठीक है, अगर अवेलेबल होगा तो ये बता देगा हाँ भाई बिल्कुल है। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन, ओके। पब्लिश पे किया हमने, इसने हमारी ये चीज़ पब्लिश कर दी। ठीक है, व्यू करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा इस तरह से ये बन के आ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है हमने जो है इस पर मेहनत करनी है, ये तो मैं आपको एडवांस वो इनिशियल लेवल बता रहा हूँ। ठीक है, जितने आप पेज बनाना चाहेंगे इसमें पेज बना सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर देंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है, मज़ीद आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने लिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखें, जैसे मैंने एक ये अपना प्रोजेक्ट का ये रखा मैंने, भाई एक प्रोजेक्ट मैंने ये बनाया है, दूसरा मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ से मैं अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसमें ऐड करता हुआ जाऊँगा कि भाई ये चीज़ें मैंने की हुई हैं, बताना पड़ता है ना कि भाई मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे इसको, और उसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और मज़ीद इसके कलर वगैरह भी मैं कर सकता हूँ चेंज वगैरह। ठीक है, दूसरी इमेज अपलोड करनी है तो दूसरी भी कर सकता हूँ। ठीक है, जितना काम मैंने किया है वो सब इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद इसको हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से जाके, ये देखें हमने यहाँ पर जाके सिर्फ ये किया और हमारा ये यहाँ पर प्रोजेक्ट, एक मिनट, उधर पब्लिश करना पड़ेगा, ये पब्लिश हमने किया। ठीक है, पब्लिश करने के बाद हमें ये बताएगा भाई इस तरह से आ रहा है, करंट पब्लिश ये है और ड्राफ्ट इस पहले वाला ये है। ठीक है, बोलो ओके, डायरेक्ट पब्लिश कर दो, जो अभी आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर दो, ये आपका प्रोजेक्ट रेडी। ठीक हो गया, ये हो गया रेडी। ठीक है, तो ये जस्ट आपको एक सादा सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप इस तरह से जाके, मज़ीद तो जाहिर सी बात है इसमें आप सारी अपनी चीज़ें ऐड करते जाएंगे और ये ऐड होती जाएंगी। ठीक है, आप अपना इसको पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं, ठीक है, अपना प्रोफाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने लिए सारी चीज़ें फ्री में बना सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर आकर अपने लिए ये होम है ना, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी जाके आप इसको पेस्ट करेंगे, आपकी ये साइट ऑटोमेटिकली वहाँ खुल जाएगी। ठीक है,
इस तरह से खुल जाएगी। बंदे ने आपको ये मेरे पास एडिट का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मैं खुद हूँ इसका बनाने वाला, अभी भी आपके सामने मैंने बनाई है, ठीक है, इसलिए मुझे एडिट दे रहा है, लेकिन अदरवाइज़ किसी और को ये एडिट का ऑप्शन नहीं देगा, वो जस्ट आपका ये वेबसाइट विज़िट कर सकता है। मज़ीद इसके अंदर फॉर्म्स वगैरह डालने हैं, जो कोई बंदा आपकी ये वेबसाइट विज़िट करे और आपको जो है अप्रोच करने की कोशिश करे, तो वो आपने ज़ाहिर सी बात है वो कुछ और फेयरेंस फिगर्स होते हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप अपने लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वीए हैं या आप जो है फ्रीलांसर हैं, तो आपको इसकी अहमियत का पता होगा और आप परेशान थे कि किस तरह मैं फ्री में जाके अपने लिए सारी चीज़ें बनाऊं, तो ये यहाँ से आप देख के आराम से इजीली बना सकते हैं, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।